जन अधिकार सेना संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में गोचर चारागाह और ओरण पर कब्जा किए हुए लोगों को पट्टे देने का निर्णय लिया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि इस निर्णय से जहां आवारा पशुओं, भूमिहीन पशुपालकों, वन्य जीवों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा, वहीं आने वाले समय में गोचर ओरण चारागाह और शमशान भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे होंगे। ज्ञापन में इस निर्णय को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की गई, साथ ही वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन सौंपते वक्त सुजानगढ़ तहसील अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सेन, तहसील उपाध्यक्ष सांवरमल, एडवोकेट सेल के जिला अध्यक्ष विमल गोदारा, अर्शद खान आदि लोग मौजूद रहे। गांव ठरड़ा के निवासी विक्रम सिंह विदावत ने नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल को ज्ञापन सौंपकर बताया है कि प्रवीण सीमा और प्रेम नामक व्यक्तियों द्वारा अनेक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया है, जबकि इनकी स्वीकृति आवासीय ली गई थी। वहीं ज्ञापन में अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। इसके चार मार्केट है, जो दो घंटाघर से स्टेशन रोड पर जाते हैं तो वहाँ पे दो मार्केट वहाँ पे बने हुए हैं, दो मार्केट बिदावतों कोटड़ी के पास और जो ना तो तालाब रोड जाती है उस पे बने हुए हैं। इसमें न तो पार्किंग है और न इसमें मतलब सामने जो जगह छोड़ी हुई है पार्किंग के लिए, ना रास्ता है। दो स्टेशन रोड पे भी जाम इसी मार्केट के सामने सबसे बड़ा लगता है, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले रोज़ वहाँ से ट्रैफिक को निकलवाने के लिए खड़े रहते हैं। प्लस ये जो बिदावतों कोटड़ी वाले जो मार्केट है वहाँ पे एनी टाइम जाम रहता है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग 200 दुकानें दोनों कॉम्प्लेक्सों में बनी हुई है। ये सारी अवैध है। पाँच मंजिल बना रखा है, जिसका मतलब इसके पास में कोई परमिशन नहीं है, कोई और नहीं है। दूसरा कारण ये है कि ये मार्केट बनाने में ये बिल्डर है जो इस सुजानगढ़ की वेल मछली की तरह है। जो छोटे जितने भी मार्केट बन रहे हैं जिनके कार्रवाई हो रही है, इसका कारण ये है कि ये चार पांच बंदे ऐसे इसने पाल रखे हैं प्रेमचंद घासोलिया ने, कि वो छोटे जितने भी मार्केट हैं उनकी शिकायत करवाते हैं और वो मार्केट उनके ऊपर कार्रवाई होती है और ये अपना सुरक्षित अवैध निर्माण बना के और सुरक्षित माल भी बेच लेता है, मतलब दुकानें बेच लेता है। संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, उप निरीक्षक महोदय नगर बीकानेर, मतलब मैं जितने भी ये इसके अवैध निर्माण के खिलाफ जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें ये ले जाऊंगा। दूसरी बात, मैं हाईकोर्ट में मैंने कार्रवाई शुरू करी है, हाईकोर्ट के अंदर इस मामले को ले जाके इन सभी मार्केटों पे जो दुकानें बिक रही उन पे स्टे लाने का सबसे पहला काम करूँगा।